न्यूज में आज देखिए, श्री कृष्ण की झांकियों से जगमग हुआ देश। कृष्ण जन्माष्टमी पर रांची सेवा केंद्र में बाल लीलाओं का दिखा दृश्य, उनके समान बनने का आह्वान। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में, मैं हूं तुलसी। जन्माष्टमी की खबर के अलावा बुलेटिन में आज मुंबई के सायन में शक्ति सम्मान महोत्सव का भव्य आयोजन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कई महिलाओं समेत ब्रह्मकुमारीज ने भी रक्षाबंधन के लिए शुभकामनाएं। अजमेर में सामाजिक एकता के लिए आध्यात्मिक जागरूकता पर समारोह, समाज सेवियों को किया गया सम्मानित। पड़ोसी देश नेपाल समेत रशिया, श्रीलंका तथा अन्य कई देशों में भी भारतीय त्योहारों की दिखी झलक, पवित्रता का सूत्र बांधकर आने वाली स्वर्णिम दुनिया का दिया संदेश। आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। कहीं गाजे बाजे के साथ श्री कृष्ण की मनमोहक झांकी, तो कहीं कान्हा के जन्मोत्सव पर गीत और संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सेवा केंद्रों पर अलग ही रूप देखने को मिला, जिसमें पहली तस्वीर झारखंड के रांची सेवा केंद्र की है, जहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण के अलग अलग रूपों की झांकियां सजाई गई। वहीं बाल कलाकारों के द्वारा राधे कृष्ण एवं गोपियों के संग रास के दृश्य समेत अन्य कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सेवा केंद्र का माहौल हर्ष व उमंग उत्साह से छाया रहा। इस पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में बिसरा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रामाशंकर कुरील, हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक, यूआईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल देव शंकर ने बताया कि श्री कृष्ण जन्म से ही महान थे। वही सेवा केंद्र प्रभारी बी के निर्मला ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए आने वाली स्वर्णिम दुनिया का प्रिंस श्री कृष्ण को बताया। हमें कर्म ही करना है, लेकिन जहाँ कर्म की बात होती है तो धर्म पहले है। पहले धर्म है तब कर्म है, धर्म से ही कर्म होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म करने वालों ने ये दुनिया बना दी। कर्म करने वालों ने चांद पे रॉकेट बना के चांद पे पहुंचा दिया। कर्म करने वालों ने जहाज बना दिया। कर्म करने वालों ने इतनी बड़ा संसार बना के खड़ा कर दिया। तो वो कर्म पर ही विश्वास देते रहे उस तब से लेके आज तक। मुझे भी यही लगता है कि कर्म पर ही हमारा कंट्रोल है। अगर हम सृष्टि चक्र में देखें इनके जीवन कहानी को, रचता और रचना दोनों के जीवन कहानी को अगर जानेंगे तो हमारी कायाकल्प करुण सुख शांति से संपन्न हो जाएगी। इसी तरह बेंगलुरु के जेपी नगर में भी कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नन्ही बालिका की प्रस्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं मध्य प्रदेश के राजपुर में भी श्री कृष्ण राधे की चैतन्य झांकी सजाई गई। मुंबई के सायन में बीजेपी महाराष्ट्र महिला मोर्चा द्वारा आयोजित शक्ति सम्मान महोत्सव के दौरान सायन सेवा केंद्र की बीके माला ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राखी बांधकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। महिलाओं की भावनाओं को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाने के लिए भाजपा द्वारा शक्ति सम्मान महोत्सव मनाया गया, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री को पूरे राज्य की महिलाओं ने शक्ति सूत्र बांधा। इस महोत्सव के समापन दिन का कार्यक्रम सायन षणमुखानंद हॉल में किया गया, जहां हजारों महिलाओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री फडणवीस को राखी बांधी गई। इन महिलाओं में ब्रह्मा कुमारीज की बहनें भी मुख्य रूप से शामिल थी। समस्त मानव के कल्याण के लिए संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभियान हरित भारत स्वच्छ भारत के लिए आबू रोड स्थित नर्सिंग कॉलेज के समीप रोज गार्डन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, वैल्यू एजुकेशन के मुख्यालय संयोजक डॉक्टर आर पी गुप्ता, ग्लोबल नर्सिंग कॉलेज की शशि बाला समेत कॉलेज के विद्यार्थी एवं अन्य विशिष्ट लोग मौजूद थे।
क्लीन द माइंड, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हम बॉडी को क्लीन करते हैं, वातावरण को भी क्लीन कर देंगे, परंतु मन को कैसे क्लीन करें। मन को क्लीन करने के लिए योगा है, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है और नेचर है। नेचर अपने आप को मन को क्लीन करता है। और इस अवसर पर जबकि हमने प्रार्थना भी की और साथ में एक संकल्प भी किया कि इस धरती को हरा भरा करने के लिए ये जो एक बीड़ा उठाया है इसको हम आगे लेकर चलेंगे। संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा 10 जुलाई से 30 सितंबर तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह कार्यक्रम आयोजित कर वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। अजमेर के समाज सेवियों का सम्मान करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अजमेर रिट्रीट सेंटर नवाब बेड़ा द्वारा सामाजिक एकता के लिए आध्यात्मिक जागरूकता पर समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी तथा उद्योगपति मदन लाल शर्मा, समाज सेवा प्रभाग दिल्ली जोन की कोऑर्डिनेटर बी के आशा, महिला प्रभाग की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बी के शारदा, अजमेर क्षेत्र की प्रभारी बी के शांता, संस्था के पीआरओ बी के कोमल ने एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए मानवीय मूल्यों को पुनः अपनाने पर जोर दिया। वी कैन ऑल डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव, दिस इज व्हाट मदर टेरेसा सेड, एंड सो आई से दैट लव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड इफ यू ऑल हैव लव फॉर ईच अदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। थैंक यू। यहाँ मुझे महसूस हो रहा है कि हमारा ही प्रोग्राम है, ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, ये इंसानियत का प्रोग्राम है और ये इंसानियत के प्रोग्राम में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं इसको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। और मैं भगवान से, अल्लाह से, या जिनकी दरगाह है ख्वाजा से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रोग्राम में चांद चांद लगें और इनके आयोजकों को सफलता मिलती रहे। अभी तक हम कोई भी परफेक्ट नहीं बने हैं, हमारी समाज की सेवा सर्वांगीण सेवा संपूर्ण सेवा नहीं हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई कमी रह जाती है। आदमी सुखी रहता है दुआओं से, आशीर्वाद से, और दुआएं आशीर्वाद कब मिलेंगी, जब आपका कर्म ठीक होगा, आपका व्यवहार ठीक होगा, आपका व्यवहार ठीक, बातचीत ठीक होगी, तो अपने आप दुआएं मिलती हैं, देनी नहीं पड़ती हैं। तो ये परमात्मा ने आकर के, मैं समझता हूँ कि अभी ऐसा दुआओं का काम कर रहा है, काम भी कर रहे हैं और मज़ा भी ले रहे हैं, आप देखो सफलता भी मिल रही है। ऐसा भी नहीं कि सफलता नहीं, आप जिस फील्ड में हो जैसे भी हो परमात्मा के साथ होंगे तो अपने आप काम करता है समर्पण भाव से, और समर्पण भाव से परेशानी भी नहीं, निर्बंधन भी रहते हैं। कि हम फिर से देवता कैसे बने, उसी की शिक्षा हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दी जाती है, क्योंकि ये हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय में हमको वो शिक्षा मिलती है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, कर्म अकर्म विकर्म के बारे में, जिससे हम फिर से मनुष्य से देवता बन सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में समारोह में मौजूद सभी समाज सेवियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज सेवा प्रभाग राजस्थान के कोऑर्डिनेटर बी के वीरेंद्र, अजमेर के कृषि उप निदेशक बी के शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सोनी, अजमेर म्यूजियम के प्रभारी नीरज त्रिपाठी, समाज सेवी एस एफ हसन चिश्ती, पार्षद दुर्गा महेंद्र जैन, यूनाइटेड अजमेर के निदेशक कीर्ति पाठक समेत अन्य कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बीके प्रीति ने कहा कि रक्तदान महादान है जिससे मानव जीवन का कल्याण होता है। कहा गया है रक्तदान महादान, रक्तदान को महादान की संख्या दी गई है, और जितना हम अनेक आत्माओं के जीवन को बचाने के लिए प्रयासरत होंगे उतना ही हमारे खाते में भाग्य में पुण्य की पूंजी दुआएं जमा होगी। रक्तदान ये सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है। रक्तदान करने के बाद किसी भी व्यक्ति की या अवस्था पड़े उसकी जान बचाई जा सकती है, किसी की जान बचाना बहुत ही धर्म का कार्य।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के शाक्य, सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता अग्रवाल समेत अन्य चिकित्सकों की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके पश्चात कई लोगों ने रक्तदान कर दूसरों की जिंदगी बचाने का संकल्प भी लिया। नरसिंहपुर स्थित दिव्य संस्कार भवन में योग तपस्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से पहुंचे वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने राजयोग द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों पर संयम रख अपने मनोबल को बढ़ाने की बात कही। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम की उपस्थिति रही। यूपी प्रयागराज के सोराव में आध्यात्मिकता द्वारा ग्राम विकास में ग्राम प्रधानों के योगदान विषय पर विशेष परिचर्चा का आयोजन ज्ञान सूर्य संग्रहालय में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य विकास अधिकारी आरसी पांडे, विश्वनाथ गंज के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा, ग्राम प्रधान अध्यक्ष संजय पटेल, प्रयागराज की क्षेत्रीय संचालिका बीके मनोरमा, नारनौल दिल्ली की बीके कमल मौजूद थी। इस मौके पर ग्राम प्रधानों को ग्राम के सुधार के लिए पहले स्वयं से शुरुआत कर आध्यात्मिकता द्वारा अच्छे संस्कार धारण करने के लिए प्रेरित किया गया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। पड़ोसी देश नेपाल समेत अन्य कई देशों में भारतीय त्योहारों को मनाया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कृष्ण बहादुर महारा से मुलाकात कर काठमांडू जोन की निदेशिका बी के राज ने उन्हें पवित्रता का सूत्र बांधा और ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसी तरह रशिया, श्रीलंका, सेंट लूसिया में भी भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सबसे पहले दिखाता है आपको रशिया का नजारा, जहां सेंट पीटर्सबर्ग, आर्मेनिया, अजरबैजान तथा क्रीमिया में ब्रह्माकुमारी बहनों ने कई प्रतिष्ठित हस्तियों को रक्षा का सूत्र बांधा। सेंट पीटर्सबर्ग में कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया दीपक मिगलानी को बीके संतोष ने आत्मस्मृति का तिलक लगाया। वही कॉन्सुलेट में सभी उपस्थित जनों को भारतीय त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य भी बताया गया। आर्मेनिया में एम्बेसिडर किशन दान दिवाल, अजरबैजान में भी एम्बेसिडर बी वनलाल वना, क्रीमिया के सेवस्टोपोल में भी विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर परमात्म संदेश दिया गया। सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्माकुमारीज के लाइट हाउस में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां निदेशिका बीके संतोष ने पर्व के आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चा करते हुए राखी पर्व को पवित्रता का त्योहार बताया। Beautiful, this rakhi or an instrument. Seeing them, I will remember I have promised my father to stay very positive and pure. Today, whatever situation will come, I will keep him with me. And I will definitely keep love for all with me. So this offer is there. Are you ready to tie this bondage? इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। सेंट लूसिया में गवर्नर जनरल नेविल सेनाक से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पायल तथा बीके चंद्रा ने मुलाकात की और संस्था की गतिविधियों के बारे में बताया। वहीं अन्य कई स्थानों में भी कार्यक्रमों के आयोजन हुए, जहां बीके बहनों ने पर्व के महत्व से अवगत कराते हुए आत्मा तथा परमात्मा के सत्य स्वरूप का भी ज्ञान दिया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया तरनजीत सिंह संधु समेत अन्य अधिकारियों से श्रीलंका में ब्रह्माकुमारीज की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके गणेश समेत अन्य सदस्यों ने मुलाकात की एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया, साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी चर्चा की। इस मौके पर कल्चरल हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया की प्रेस इंफॉर्मेशन की हेड नेहा सिंह, श्रीलंका में डिप्टी हाई कमीशन ऑफ इंडिया डीसी मंजुनाथ, सेकंड सेक्रेटरी ऑफ हाई कमीशन ऑफ इंडिया हरभजन सिंह, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी के सेकंड सेक्रेटरी प्रेम कुमार को बीके अंबिगा तथा बीके रंजी ने ईश्वरीय सौगात भेंट की।
आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।